हमारे यहाँ जब ये भाषा आएगी तो हम पर दबाव बनाने के प्रयास करेगी। हिंदी अगर तमिल में आती है, हिंदी अगर आंध्रा में आती है, तो वे लोग हम पर दबाव बनाएंगे और कहीं ना कहीं हमारी जो आइडेंटिटी उसे संकट में आएगी। उन्होंने 70 लोगों हिंसा में मारे गए थे, 12 लोगों ने खुद सुसाइड कर लिया था 1965 में, खुद को जला लिया था, लेकिन हिंदी को तमिलनाडु की भाषा स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जानते थे वे बहुत दूर की सोचे थे। क्यों स्वीकारते भाई, हिंदी से पहले तमिल भाषा है, तमिल का अपना अलग इतिहास, उसको पढ़ने की आवश्यकता है। तो उन्होंने बिल्कुल अच्छा किया, आज उन्होंने अच्छा किया था, उनका स्टेट डेवलपमेंट स्टेट है। आज मेरे गांव के लड़के वहां काम करने जाते हैं, वहां ग्रुप डी की नौकरी के लिए फॉर्म तक नहीं भरता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने स्टेट की, उन्होंने स्टेट की जो आइडेंटिटी थी, जो कट्टरता थी, उसको स्वीकारा। आज देखिए तमिलनाडु कहां है और झारखंड कहां है। मेरा एक सवाल है, भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में भी अधिसूचित नहीं है, उसके बावजूद झारखंड में एक क्षेत्रीय भाषा का दर्जा मिल जाता है, क्या लगता है कोई प्रशासनिक भूल है या सोची समझी कोई साजिश है? क्योंकि आप बराबर एक बात कह रहे हैं कि मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, बिल्कुल हम अपने को स्थापित करने की बात कह रहे हैं, ये भूल हो हुई है या क्या हुई, क्या लगता है? ये भूल नहीं कह सकते हैं, मुझे लगता है कि एक नारा था एक समय कि अलग हुआ झारखंड अब खैया शकरकंद, तो वे लोग हमारे झारखंड को खाने के लिए, झारखंड 40% खनिज देता है, उनकी नजर, सबकी नजर झारखंड पर है, वे झारखंड में जितने भी अधिकारी हैं जो टॉप रैंक के भी सब बाहर के लोग हैं, वे अपने कलमों में बाहर के लोगों के लिए जगह छोड़ के गए हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो हमारी आइडेंटिटी है, और बिल्कुल सही बात है, भोजपुरी मूलतः यूपी और बिहार की भाषा है, पर वहां भी उसे मान्यता प्राप्त नहीं है। यूपी की बात करें तो यूपी में आपका हिंदी और संस्कृत है, बिहार की बात करें तो बिहार में आपका हिंदी उर्दू और मैथिली है, तो फिर वो जो झारखंड की नहीं है, बल्कि झारखंड उस अलग आइडेंटिटी, आखिर झारखंड हमने क्यों लिया है, क्योंकि झारखंड और बिहार की संस्कृति आपस में कभी नहीं टकराई है। झारखंड और बिहार की आइडेंटिटी कभी आपस में मैच नहीं की है। आप इतिहास के पन्ने देखिए, उनका रहन सहन देखिए, उनका खान पान देखिए, ये आइडेंटिटी, उनका जो मेल मिलाप कभी नहीं हुआ, इसीलिए हमने झारखंड मांगा है। और फिर अगर आप वापस बिहार की संस्कृति, बिहार की भाषाओं को थोपेंगे तो झारखंड बनने का मकसद क्या रहेगा, फिर तो आप इसे बिहारीकरण कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझना होगा कि झारखंड जो बना था इन्हीं पहलू पर बना था कि अलग भाषा, अलग परंपरा, अलग संस्कृति, उन्हीं के आधार पर झारखंड ने अलग डिस्ट्रिक्ट की मांग की थी कि हम लोग पिछड़े लोग हैं, बनो पर्वत में रहने वाले लोग, झारखंड जंगल और जमनगंगल का टुकड़ा, तो हम लोग, हमारी आइडेंटिटी अलग थी। लेकिन अगर वापस इन भाषाओं को यहाँ लाएंगे, जबकि वो भाषा वहां लागू नहीं है, वहां माने आपका सूची में अंगीकृत नहीं है, तो उन भाषाओं को अगर यहाँ आप लाने का काम करेंगे तो निश्चिंत यहाँ की जो पहचान है, यहाँ की जो मूल पहचान है, वो धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी। इसके आंकड़े भी आपके कहते हैं, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है आने वाले 50 सालों में झारखंड के 8 लैंग्वेज मुंडारी हो, कुरुक, अबिरोहरी, बिरजिया, असुरी और खोटा जो कि हम लोग यहाँ खड़ा है, बहुत ज्यादा मात्रा में बोली जाती है, तो ये भाषाएं नष्ट हो जाएंगी। कारण क्या है? बाहरी भाषाओं का, बाहरी संस्कृति का, बाहरी लोगों का अतिक्रमण। और एक उदाहरण, कोल्हान अभी जल रहा है, उन्होंने अलग देश की मांग कर दी, क्यों मांगा, आखिर रीजन क्या है? ग्राउंड रिपोर्ट मैं अनुमान कर सकता हूं कि वहां जो मुंडा मान की व्यवस्था थी, कोल्हान यानी मुंडा मान की व्यवस्था काफी प्रचलन थी, तो कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब किया होगा, बाहरी अतिक्रमण हुआ होगा, उसी के कारण आज उन्होंने अलग स्टेट नहीं, अलग देश ही मांग लिया है। कहा बात है, मरता क्या नहीं करता, जब किसी का हक अधिकार छीना जाता है तो वह निसंदेह वो व्यक्ति मरने की स्थिति में आ जाता है, तब वो लड़ता है। और एक बात, बहुत सारे लोग ये स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ बहुत सदियों से मैथिली सॉरी भोजपुरी मगही बोलने वाले लोग हैं, तो मैं उनको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, आपको रहने जीविका उपार्जन के लिए किसी ने मना नहीं किया है, कोई ये संवैधानिक कि हम लोग कभी बात भी नहीं करते हैं, रहें खाएं व्यापार करें बिजनेस करें, लेकिन एक बात आपको समझना हो, जैसा देश वैसा भैंस, अगर आप अपनी संस्कृति को लेकर यहां रहेंगे तो भविष्य में वो टकराएगी। और एक बात, जैसे कि आप, मैं वीएस नायपॉल को उदाहरण दूंगा, क्योंकि मैं पीएचडी करते करते मैंने पहले उन्हीं पे मैंने टॉपिक चुना था, लेकिन वो समझ में मुझे ज्यादा नहीं आया, तो वीएस नायपॉल एक बहुत बड़े नोबेल विजेता है, तो बहुत बड़े विद्वान है, नोबेल विजेता मामूली बात नहीं है, वो थे इंडियन मूल के, लेकिन जब वे त्रिनिदाद चले गए, उनके पूर्वज वे शुद्ध वे ब्राह्मण थे, लेकिन वहां जब चले गए तो आपके नास्तिक बन गए, उनको जो भारतीय संस्कृति थी उनसे चीड़ होने लगा, उन्होंने खुद लिखा है कि पूजा पाठ से मुझे एलर्जी होने लगी, तो समझ सकते हैं वे जब भारत में थे उनके पूर्वज वे ब्राह्मण थे यानी हिंदू थे, लेकिन वे जब त्रिनिदाद चले गए वही ब्राह्मण परिवार शायद क्रिश्चियन बन गया और उनका जो स्वभाव था वो नास्तिक बन गया था। तो कहीं ना कहीं ये होना, ये होता है कि जैसा देश वैसा भैंस, तो वही चीजें हैं, जो लोग हमारी जमीन ले सकते हैं, हमारी नदियों का पानी पी सकते हैं, हमारे पत्ते माने पत्ते के साथ हवा ले सकते हैं, हमारे संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, तो हमारी भाषा सीख लें, विवाद लगभग आधा खत्म हो जाएगा।